शाजापुर में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें और महंगी होती रसोई गैस के विरोध में कांग्रेस ने शहर में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बस स्टैंड कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में शहर की सड़क पर निकले और केंद्र मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस महामंत्री व जिले के प्रभारी अभिषेक ठक्कर के नेतृत्व में इस आयोजन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे व तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर अनोखे प्रदर्शन के साथ प्रदाज प्रतीक के रूप में पेट्रोल पंप को लेकर रैली के साथ चले। कार्यकर्ता शहर के बस स्टैंड से रैली के रूप में निकले और मुख्य मार्गों से होते हुए आजाद चौक पहुँचे, जहाँ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत रामवीर सिकरवार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके कारण प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। दामों में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते लोगों ने भारी निराशा हो रही है, जिसका जवाब जनता देगी। जिले के प्रभारी अभिषेक ठक्कर ने कहा कि देश के लोग कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर गरीब परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार जनहितैषी सरकार है कि नहीं है? कल ही हाल ही में इन लोगों ने गैस पे फिर भाव बढ़ाए हैं, दूध पे फिर भाव बढ़ाए हैं। ना ये महिलाओं का सोच रहे हैं, ना ये युवा वर्ग का सोच रहे हैं, ना किसान भाइयों का सोच रहे हैं। ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। ये सरकार सिर्फ उनका मुनाफा कर रही है। पूरी देश की जनता इस तरीके से परेशान हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, समय का पहिया पलट के फिर आता है। अगर ये सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तो ये बहुत जल्दी होगा कि पूरे देश की जनता, पूरे हमारे प्रदेश की जनता इनको एक अच्छे से सबक सिखाएगी। जो महंगाई इस नरेंद्र मोदी की और भाजपा की सरकार ने फैला रखी है, उसके विरोध में हम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। देखिए, समय पिछले 1.5-2 सालों से महामारी का चल रहा है। ऐसे महामारी के समय में जब प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक तौर पर कमर टूटी हुई है, ऐसे में पेट्रोल का 100 के पार हो जाना, खाद्य तेल का, खाने के तेल का 160-170-180 रुपए तक के हो जाना, 200 के लगभग पहुंच जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। कमाई कुछ रही नहीं लॉकडाउन के कारण और उस पर से ये महंगाई की मार। शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।